एनडीए 2 के मंत्रिमंडल के लिए सबसे पहले पीएमओ से अर्जुन राम मेघवाल को फोन आया, इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे सर? कब फोन आया, किस टाइम फोन आया और क्या बातचीत हुई? देखिए, मेरे पास अधिकृत फोन आ गया और जो फोन आया और उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो विश्वास प्रकट किया मुझ पे, मैं बीकानेर की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो विश्वास उन्होंने प्रकट किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, पहले भी आपके पास बड़े बड़े मंत्रालयों का प्रभार रहा है और काम भी आपका अप टू द मार्क रहा, जो मोदी जी ने कई बार आपकी सराहनीय की है, क्या लगता है क्या प्रमुख मुद्दे इस बार आपके होने चाहिए? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी को भाजपा संसदीय दल की ओर से नेता चुना गया सेंट्रल हॉल में 25 तारीख को, प्रधानमंत्री जी ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया था कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तेजी से महाशक्ति की ओर आगे बढ़ाना है, 21वीं सदी का भारत कैसा हो, इस ओर उन्होंने साफ साफ इशारा किया। और यही मुझे लगता है 2019 और 24 का जो कालखंड रहने वाला है, यही सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। पीएम आवास पे हाई टी पर बुलाया है? हाँ, 4:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पे, जो 4:30 और 5 बजे के बीच में चाय पे जो चर्चा होगी, उसमें भी एक एजेंडा जो होगा उस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो फिर अर्जुन राम मेघवाल का साफ तौर पर कहना है कि देश हमारा अभी विकास होने की ओर जो चल रहा है, उसको विकसित रूप से जो देश है उनके बीच में लाकर खड़ा करना है, यही सरकार का एनडीए 2 का मेन एजेंडा होगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ प्रशांत यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।